हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहबाज मलिक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलईडी बल्ब को रिपेयर करने की वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एलईडी बल्ब जो आजकल काफ़ी कॉमन है और अलग अलग तरह की कंपनियां अपने प्रचार कर रही हैं कि आप उनके एलईडी बल्ब को खरीदें या उनके एलईडी बल्ब को खरीदें, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एलईडी बल्ब आखिरकार क्यों इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्यों आजकल सब सरकार भी और कंपनियां जोर दे रही हैं कि आप अपने घर पर एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें, और अगर वह एलईडी बल्ब खराब हो जाता है तो आप उसे किस तरह से ठीक करेंगे। तो यह बातें दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। लेकिन उन सबसे पहले दोस्तों मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी की मदद से आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा पहले हम बल्ब यूज़ करते थे, जो मरकरी बल्ब होता था उसका हीट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता था और उसकी जो एफिशिएंसी होती थी वह काफ़ी कम होती थी। उसके बाद अपडेट हुआ, उसके बाद CFL आने लग गई और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हम LEDs का इस्तेमाल करके LED बल्ब बना रहे हैं। तो LED बल्ब बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और यह पहले की जो दो टेक्नोलॉजी थी उनसे काफ़ी बेहतर है। इसके अंदर काफ़ी एडवांटेज है। इसके जो यह सबसे जो मेन पावर बात है इसकी, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, वह यह है कि इसकी लो वोल्टेज होती है। जो LED बल्ब इसके अंदर लगे होते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, वह बहुत कम वोल्टेज लेते हैं और काफ़ी कम वोल्टेज पे वह चल जाते हैं, तो पावर कंजप्शन बहुत ही कम होता है। दूसरा यह है कि इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, 80% से भी अबव इनकी एफिशिएंसी होती है। इनकी लाइफ स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी सालों साल आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे जो ज़रूरी बात इनके अंदर यह होती है, जो गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है, वह यह है कि इसको बनाने में किसी भी प्रकार के हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे कि अगर आप CFL की बात करें उसके अंदर मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता था जिससे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान होता है, तो यह बिल्कुल नेचर फ्री है और आराम से इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपका LED बल्ब खराब हो जाए तो आप उसको किस तरह से ठीक करेंगे। LED बल्ब दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है इसका ड्राइवर और दूसरे होते हैं इसके LED बल्ब। या तो आपका ड्राइवर खराब होगा या इसके LED बल्ब खराब होगा। तो सबसे पहले आप इसके ड्राइवर को चेक करिए। ड्राइवर को चेक करना बहुत आसान है, इसको आप पावर सप्लाई में लगाइए और देखिए कि आपकी 220 वोल्टेज को कम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि आप वीडियो में देखें, हमने इसको कनेक्ट किया पावर सोर्स में और जब हमने इसकी वोल्टेज नापी तो ये 52 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 220 वोल्ट को 52 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है और हमारा ड्राइवर बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ड्राइवर तो ठीक निकला। अब आ जाइए इसके LEDs पर। अब हम इसके LEDs को चेक करना स्टार्ट करते हैं। इस सीलिंग लाइट में जो LEDs लगे होते हैं उन LED का नाम SMD LED होता है। इन LEDs की कैरेक्टरिस्टिक्स यह होती है कांस्टेंट करंट पर वर्क करते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर इनका करंट इंक्रीज कर जाएगा तो ये एकदम ख़राब हो जाएंगे, और अगर वोल्टेज थोड़ी सी ऊपर या नीचे हो गई, जैसे कि 3.3 वोल्टेज पर ये काम कर रहे हैं, अगर ये 3.3 की जगह 3.5 या 4 वोल्ट हो जाती है तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो हम इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं, हो ना हो इन्हीं LEDs में से आपका कोई LED ख़राब होगा। इसको चेक करने के लिए आप इनकी वोल्टेज को नापना स्टार्ट करिए। यह सभी LEDs आपस में पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं। इसे चेक करने के लिए आप सभी LED की दोनों पिन पर मल्टीमीटर की पिन को रखकर उन सबकी वोल्टेज को मेजर करिए और आप देखेंगे कि हर LED लगभग 3 वोल्ट के करीब ड्रॉप कर रहा है। इसी तरह इसमें जितने भी LED लगे हुए हैं हम सभी LED के ऊपर वोल्टेज को चेक करेंगे, और जो भी LED ऐसा होगा जो 3 वोल्ट ड्रॉप नहीं कर रहा होगा या 3 से बहुत ज़्यादा कर रहा होगा या बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, वह LED इसमें ख़राब माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो खराब LED है वह एक पिन पे तो 45 वोल्ट शो कर रहा है और दूसरी पिन पर जब हमने मेजर किया तो वो केवल 0 वोल्ट शो कर रहा है। मतलब इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो चुका है और ये फूक चुका है और यह LED 45 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, तो यह तो बिल्कुल ही खराब है।
और इस हम दूसरे और सब चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमने एक और एलईडी चेक किया और उसमें हमने पाया कि एक पिन पर वह 37 वोल्टेज दिखा रहा है और दूसरी पिन पर वह 0 दिखा रहा है, यह भी 37 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, तो यह भी फूक चुका है और यह भी खराब है। तो हम अपनी वीडियो में अब इन दोनों को बदलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस तरह के एलईडी को किस तरह से बदला जाए। जब आप इसमें नया एलईडी लगाएं तो इस बात को जरूर सुनिश्चित कर लें कि नए एलईडी को इसकी सिंक पर जोर से प्रेस करके देर दबा दें ताकि इसकी हीट ट्रांसफर हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जल्द ही आपका एलईडी बल्ब ये गर्म हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा।